हेलो एंड वेलकम। तो ये BTC का लाइव अपडेट है, वीकली अपडेट। तो फाइनली BTC ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है। और जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी US इलेक्शन जीत गए, तो ये डॉलर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसलिए क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा पंप हो चुका है ना। तो जो चैनल में BTC मार्च महीने से, मतलब पिछले 6-7 महीनों से हम जिस चैनल में थे, ये जो एक बड़ा चैनल आपको दिख रहा है BTC, उस चैनल से ब्रेकआउट करके अभी मंथली लेवल पे हम ब्रेकआउट करके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी चैनल सस्टेन होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम अभी थोड़ा वोलेटाइल मार्केट में आ चुके हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि इस साल हाफिंग भी था, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले के अपडेट्स में कि जब भी US इलेक्शन होता है, हर बार देख लो 2012, 16, 20 और अभी 2024, जब भी US इलेक्शन होता है उसी साल हाफिंग होता है, और नेक्स्ट ईयर से मार्केट मोस्टली वोलाटाइल होता है या पंप होता है, ये आप ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर या उसके आगे बुल रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, अभी वोलाटाइल हो चुका है मार्केट, और जो लेवल्स हम देख रहे थे कि डोमिनेंस है, तो एक एक करके हम देखने वाले। हमेशा की तरह सबसे पहले BTC देखेंगे, फिर इथेरियम देखेंगे, फिर टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप 3 हम देखेंगे, जो ऑल्टकॉइन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत अच्छा है, और BTC डोमिनेंस देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और USDT डोमिनेंस जो अभी क्या बुल रन स्टार्ट हो चुका है, ये जो आपका सवाल है उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो चैनल था BTC पहले देख लेते हैं। अब ये जो चैनल था इसके बाहर मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है, ओके। अब एक इवेंट भी है शायद आज, आई थिंक आज रात 12 बजे, 12:30 बजे आज, तो 8 नवंबर रात 12 बजे, मतलब आज अभी 7 तारीख है, आज तो आज रात ही 12:30 बजे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सैटरडे कल थोड़ा फ्लैट जाएगा और संडे थोड़ा मूवमेंट करेगा, मंडे से अच्छा मूवमेंट कर सकता है मार्केट, किसी डिरेक्शन में, एक डिरेक्शन में अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। तो अभी फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इवेंट्स के ऊपर, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने सारे इवेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। तो इवेंट इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो BTC ये जो चैनल थे उसके बाहर तो आ चुका है, ठीक है। अब ये एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पे BTC बना रहा है, तो एक हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन फॉर्मेशन एक हो रहा है कि हायर हाईज बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, हायर हाईज हायर लोज, हायर हाईज हायर लोज। तो BTC एक ओवरऑल अप ट्रेंड में, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेंड लाइन्स मिलते जाएगी अभी, क्योंकि एक ट्रेंड बनते जा रहा है, ट्रेंड फॉर्मेशन होते जा रहा है, तो अप ट्रेंड में जैसे जैसे मार्केट जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये जो बड़ा चैनल था ये आपको क्लियरली दिख जाएगा, अब वीकली टाइम फ्रेम ब्रेक करके बाहर आ चुका है। अब उसमें सस्टेन होता है नहीं होता है वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ब्रेक, जो देखो मार्च महीने से जो चैनल में हम अटके थे वो अभी फिलहाल उसके बाहर ब्रेकआउट किया, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है आएगी मार्केट में अगले 6 महीनों के लिए, समझ लो मार्च जून मई जून तक बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल। तो अल्टकॉइन मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको 2 साल से बोल रहा हूँ, बाय करके रख दो, पोर्टफोलियो बाय करके रख दो। अब आपको मैं दिखाऊंगा डोमिनेंस के ऊपर क्या चेंजेस हुए हैं, जिसके ऊपर थोड़ा मार्केट आप समझ सकते हो कि अल्टकॉइन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो BTC के पहले लेवल्स देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले BTC की अभी जो रेजिस्टेंस है 76,300 पे BTC रुका है, ठीक है। तो ये वीकली रेजिस्टेंस है इस बार के लिए। अब इसके बाद अगर ये क्रॉस हो जाता है इन केस, तो 79,700 के आसपास BTC यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं कि अभी कि BTC कंटिन्यूअसली 8-8, 10-10 दिन तक पंप करेगा, ऐसे थोड़ा वॉल्यूम कम है मार्केट में अभी भी, ठीक है। तो जो पंप हो रहा है वो पंप होता है, थोड़ा सस्टेन करता है, फिर से पंप होता है, तो थोड़ा टाइम लेता ही है मार्केट, क्योंकि अल्टकॉइन्स भी अभी थोड़ा थोड़ा पैसा खींचना स्टार्ट करेंगे। तो BTC ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, उसमें तो पैसा आ गई, अभी अल्टकॉइन्स में भी थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके वजह से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, और अभी मैं लाइव कल से ट्राई करूंगा, कल से हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो लाइव चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं हमेशा आपको ट्रेडिंग लाइव जो भी है दिखा दूंगा, ठीक है। तो कैसे मार्केट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सब कुछ हम लाइव में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना होता नहीं है, तो लाइव में कैसे फटाफट आपको समझा सकता हूँ मैं सामने जो चीज़ें दिखती है उसके ऊपर, ठीक है। तो 76,300 है ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, मोस्टली थोड़ा करेक्शन करता ही है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ पे टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 76,300 क्रॉस करता है, तो 79,700 हम आगे का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा बुलिश है, आज थोड़ा थोड़ा बहुत करेक्शन आपको दिखा होगा, कल भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिख सकता है, तो देखते हैं। अभी कल आज इवेंट है, तो इवेंट पे जो भी आता है इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस, उसके ऊपर थोड़ा मूवमेंट करेगा मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो ऊपर की जो एक आपको दिखेगा यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, तो रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अभी भी बुलिश है ओवरऑल, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ आपको कि बुलिश है, बेरिश नहीं है, और कंटिन्यूसली हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले जो कभी ब्रेक हुई नहीं, तो बेरिशनेस का कुछ सिंबल था ही नहीं। लोग फालतू में एक्साइट हो जाते कि ये सेल द न्यूज़ करके लोगों ने सेल भी एग्जिट भी किया होगा। अल्टकॉइंस पे जिन्होंने एग्जिट किया वो तो सुसाइड है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है, यहाँ पे एग्जिट करके आप कुछ फ़ायदा ही नहीं है।
तो BTC एग्जिट किया तो चलो ठीक है, वर्स्ट केस थोड़ा बहुत तो पैसा कमा लिया ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन बाकी अल्टकॉइंस तो कुछ मूव भी किया नहीं अभी तक मार्केट ने। अभी आप धीरे धीरे आप देखोगे आगे के 6 महीनों में थोड़ा बहुत मोमेंट अभी करता रहेगा मार्केट ऊपर ऊपर, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रेडी रखो अपने पोर्टफोलियोज। अब सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 67,500 के आसपास नीचे एक ट्रेंड लाइन आपको ये दिख रही है, उसके नीचे मार्केट मोस्टली आएगा नहीं अगर ये बुलिश है तो, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो करना चाहिए। EMS की अगर बात करें, EMS तो और सिंपल कर देगी आपके लिए, तो डेली टाइम फ्रेम की EMS है, तो 20 MA के नीचे अभी अगर मार्केट एक्चुअल बुलिश है तो 20 MA के नीचे आएगा नहीं, कंटिन्यूसली 20 MA पे ट्रेड होता रहेगा। और बीच बीच में चलो 50 MA थोड़ी बहुत टेस्ट कर लेगा, कभी थोड़ा बहुत करेक्शन कर लिया ये कर लिया, तो जैसे एक बुल रन के स्टार्ट के बाद है ना मार्केट थोड़ा पंप होता है, रेस्ट करता है, पंप करता है, एक तो एक दो दिन पंप होता है, एक दो दिन रेस्ट करता है, ऐसे ऐसे सिनेरियोस चलते रहता है BTC में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पंप दिखेंगे आपको, ऐसे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा नहीं कि एक ही दिन में सब पंप कर लिया और फिर नीचे आ गया, ऐसे नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होगा, वैसे जाओ EMS को फॉलो करो, 20 MA पे अभी राइड करेंगे मार्केट, फिर 50 MA उसको सपोर्ट देते रहेगी और ऐसे BTC ऊपर ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल सभी के लिए सपोर्ट लेवल है 67,500। बेरिशनेस कुछ आ जाता है चार्ट्स के ऊपर तो मैं आपको बता दूंगा, वो टेंशन आप मत लो, ठीक है। तो फिलहाल बुलिश है, सपोर्ट्स मतलब थोड़ा करेक्शन कर ले वहाँ पे, सपोर्ट आ जाए तो फिर EMS के आसपास लोग बाय करते ही रहेंगे उसको, ठीक है। तो BTC में ये सिनेरियो दिख रहा है। उसके बाद इथेरियम देख लेते हैं, बहुत से लोग इथेरियम भी ट्रेड कर रहे हैं, डोमिनेंस एंड तक देखना है, ठीक है। डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेरियम भी समझ लो बहुत अच्छा अभी ब्रेकआउट किया इथेरियम ने भी। अब ये जो इथेरियम नीचे लेवल में अटका था यहाँ पे, ठीक है, रेंज में था, अब इसने थोड़ा ब्रेकआउट किया यहाँ पे। अब ब्रेकआउट करने के बाद 2750 का मैंने आपको लेवल दिया था, तो जैसे बोला था कि 2750 अगर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से बड़ा ब्रेकआउट होगा। अब यहीं पे वो ब्रेकआउट हो चुका है, कल रात ही हुआ, तो $300-$400 अचानक इथेरियम यहाँ से पंप हो चुका है। तो वो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि वो लेवल ही वैसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी, तो $200-$300 कुछ इसने एक ही रात में पंप किया और कल दिन भर में थोड़ा 8% कुछ पंप हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ये इथेरियम ने पंप किया, ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट जो किया है, ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए रिटेस्ट करके, तो 30-50 का आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो। उसके बाद भी अगर बुलिश रहा तो 30-50 तक ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा इथेरियम, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश है ऐसे समझ लो, करेक्शन अगर आता है तो ये 200 MA है, उसके नीचे 50 MA, इसके नीचे आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी, हो सकता है ये थोड़ा रीटेस्ट कर ले, क्योंकि अगर BTC में बेरिशनेस आ जाता है तो अल्टकॉइंस भी थोड़ा बहुत करेक्शन करते हैं, इसलिए मैंने 2700 का लेवल दिया आपको। ये एक बार हो सकता है रीटेस्ट हो जाए, 2700 रीटेस्ट कर दे तो उसके बाद फिर से बुलिशनेस इसमें हो सकता है। तो ये मोस्टली करेक्शन के बाद थोड़ी रीएंट्री हो जाएगी लोगों की, और आगे $300 इसमें और पंप होगा। तो 30-50 का नेक्स्ट टारगेट रखो और 3250 का रखो। बेरिशनेस जब आएगा तो मैं बता दूंगा, मोस्टली 25-50 के नीचे अभी बुलिश है तो जाना नहीं चाहिए, 2700 के नीचे ही नहीं जाना चाहिए अगर ये बुलिश है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इथेरियम में ऐसे मुझे दिख रहा है। अब टोटल मार्केट के आप देखेंगे, अब बुल रन के लिहाज से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट इसने बनाया था ना, और इसके ऊपर अभी सस्टेन करके ब्रेकआउट किया है। अब ये अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, समझ लो टोटल मार्केट कैप 2 हम देख रहे हैं जिसमें एक्सक्लूडिंग BTC है, तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मोस्टली ये ब्रेकआउट कर जाएगा यहाँ से, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल देगा। फिर ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है करके फिर हो सकता है मार्केट और बुलिशनेस पकड़ता जाए, अल्ट सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक दो दिन की बात है, समझ लो एक हफ्ते तक यहाँ पे सस्टेन हो गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर बुल रन मोस्टली कन्फर्म है, यहाँ से ही अल्ट कॉइन में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो चुका है वैसे भी, ठीक है। अब टोटल मार्केट कैप 3 देखेंगे तो उसमें भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन, थोड़ा बहुत अभी रीटेस्ट कर रहा है क्योंकि टोटल मार्केट कैप 3 जो है इसमें बाकी अल्टकॉइन से, तो बहुत सारे अल्टकॉइन्स में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इथेरियम है, BTC है, सोलाना है, ये टॉप वाले जो अल्टकॉइन्स है उसमें, मतलब BTC नहीं, इथेरियम, सोलाना, ये जो टॉप वाले है उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, LTC वगैरह उसमें धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे अल्टकॉइंस में भी अभी लोग ऊपर ऊपर बाइंग का ही सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप आ चुका है तो रैली की एक्सपेक्टेशन में बाइंग करते ये लोग। तो यहाँ से मोस्टली ये सस्टेन करके ब्रेकआउट कर जाए तो फिर बड़ा यहाँ से रन हो सकता है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 200 MA के नीचे अगर आ जाता है तो बेरिशनेस आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन्स और ये मैं हर हफ्ते आपको अपडेट करते रहूँगा, वैसे ये लेवल्स पकड़ के चलो। अभी नेक्स्ट है BTC डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बॉक्स आपको याद होगा 2022 में हमने जब ये नीचे के लेवल्स बनाए थे। अब कभी भी 2022 के कोई भी मेरे जून से लेके अक्टूबर का कोई भी वीडियो खोल के देख लो अपडेट्स में, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, ऊपर बॉक्स बनाया था, तो 60% का मैंने आपको तभी प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये 60% कम से कम जाएगा, उसके बाद अल्ट सीजन अपना स्टार्ट होगा। तो अभी ये 60 एग्जैक्ट 60, ये लाइन भी हमने चेंज नहीं किया है, वो बॉक्स भी चेंज नहीं किया है, वहीं के वही एग्जैक्ट टच किया है, अभी उसके नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इनकेस अगर ये
अल्ट सीजन वैसे भी स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत आप लोड करना स्टार्ट कर दो। इनकेस यहाँ से करेक्शन करता है तो फिर एक बड़े रैली स्टार्ट हो सकती है अल्ट कॉइन्स में, ठीक है। और इनकेस यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है, लेकिन बहुत अल्ट कॉइन्स गिरेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बॉटम साइड में है, टोटल मार्केट कैप 3K कोई भी कॉइन देखेंगे तो ऑलरेडी बॉटम साइड में है, वहाँ पे नीचे जाने के लिए जगह नहीं है। तो कहीं भी आप बाय करोगे तो आप बाय साइड में बाय कर रहे हो, आप ऊपर जाके अच्छा उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, 5x से 20x कोई भी कॉइन आपको कम से कम दे देगा बुल रन में जब ये अल्ट कॉइन्स जाएंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल ट्रेंड लाइन पकड़ के चलो, 20 में पकड़ के चलो, इसके नीचे जाता है तो अल्ट कॉइन्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है ऐसे समझ लो। और वैसे भी बाकी जो चार्ट्स है वो मुझे दिखा रहे हैं कि ओवरऑल एक अल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोड करना स्टार्ट कर दो अल्ट कॉइन्स को, जिन्होंने बाय किया है वो होल्ड करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, 5 स्टार खाओ, शांत रहो, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पे चैनल बताई थी नीचे, तो उसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, तो अल्ट सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सीधा अल्ट कॉइन्स बाय करते रहो, कुछ दिमाग लगाना नहीं मार्केट के साथ। और ये एक थोड़ा बहुत है, यहाँ पे टेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये चलता रहेगा मार्केट में, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो BTC ने भी ब्रेकआउट किया है, टोटल मार्केट कैप ने भी ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ। जो BTC डोमिनेंस है वो 60 पहुंच चुका है, जो मैंने आपको बताया था। और USDT डोमिनेंस में भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है चैनल का, तो ये एक बड़ा कंटिन्यूएशन सिंबल है। अगर बिगिनर्स को जिसने किया उसको पता है ये बेरिश फ्लैग पोल है, ये तो बेरिश फ्लैग पोल नीचे कंटिन्यू ये ट्रेंड यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो जब ये USDT डोमिनेंस गिरेगा तो अल्ट कॉइन्स आपके पंप होंगे, तो अभी लोड करना स्टार्ट कर दो अल्ट कॉइन्स में, जो भी अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको लग रहे हैं वो बाय करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, आपने किया होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलते रहो, बाय करते रहो। हो सकता है क्या होता है कि ट्रंप, बहुत बार एक चीज़ होती है कि जब भी एक पैटर्न है कि इलेक्शन के बाद मार्केट पंप होता है, चलो मार्च तक पंप होता है, उसके बाद कभी कभी ना मई से पहले थोड़ा सा एक डंप भी आता है, ठीक है। मार्च से लेके मई के बीच में थोड़ा डंप आ सकता है, तो आप थोड़ा संभल के रहो, इनके डंप आ भी जाता है तो सेल कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ बाइंग का ही सोचना है, वो सेलिंग का नहीं है, वो जो डंप आता है ना वो बाइंग के लिए आता है, याद रखना। उसके बाद अगर कंटिन्यू बुलिश रहा मार्केट, न्यूज़ अच्छी रही, एक ही केस हो सकता है कि समझो अगर ट्रंप आ चुका है, चलो क्रिप्टो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया ट्रंप ने, या फिर चलो किसी यूएस वॉर में इन्वॉल्व हो गया, जो इसराइल ईरान वॉर चल रहा है यहाँ पे, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अगर US इन्वॉल्व हो जाता है इनडायरेक्टली, ऐसे कुछ न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक मार्केट गिरेगा US का, साथ में क्रिप्टो भी थोड़ा गिर सकता है। तो वो जो गिरेगा ना वो अपॉर्चुनिटी समझ लो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बॉटम साइड में है, ये बस बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। डेट भी आज चाहे तो नोट कर लो, जब भी आप वीडियो खोल के देखोगे तो आपको समझ जाएगा फ्यूचर में। तो बाइंग करते रहो अल्ट कॉइन्स, अपना पोर्टफोलियो रेडी रखो, कुछ सेल नहीं करना है, सिर्फ बाइंग करना है। BTC होगा तो चलो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ऑल टाइम हाई बोल नहीं सकते यहाँ से ऊपर नीचे, लेकिन अल्ट कॉइन्स तो बॉटम साइड में है तो वो बेटर है आपके लिए। कॉइन्स वगैरह मैं आपको धीरे धीरे लाइव आके सब कुछ बताऊंगा, कौन से कॉइन्स कैसे बाय कर सकते हो, वैसे भी बॉटम साइड में तो रेट अच्छा है, ठीक है। तो चलो फिर अभी नेक्स्ट वीक में फिर से अपडेट दे दूंगा आपको लाइव, कल से हम स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।